नमस्कार किसान भाई, राम कृष्ण तुम्हें प्रताप गब्बलोशन में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ बम्फर पैदावार पाने के लिए हमें जो है धान की रोपाई की दूरी कितनी रखनी चाहिए। ऐसा देखने को मिलता है किसान भाई, जो हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो हम जो है अपने नर्सरी का जो है रोपाई करते हैं खेतों में, तो हमें जो है जो हमारी रोपाई होती है पौध से पौध की दूरी कितनी रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए, जिससे हमारा जो धान का पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैदावार हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जगह मिल सके। एक लिमिट क्या है, एक नियम क्या है जो उनकी पौध से पौध की दूरी रखने का होता है और लाइन से लाइन की दूरी रखने का एक लिमिट क्या होता है, जो हमारे किसान भाई हैं किस हिसाब से जो है रोपाई करते हैं, तो सब कुछ आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं कि जब हमारी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसकी जो है रोपाई की जो पौध से पौध की दूरी रखा गया है वो कितना है और लाइन से लाइन की दूरी कितना रखा गया है। अगर किसान भाई हम बात करते हैं पौध से पौध की दूरी, तो किसान भाई पौध से पौध की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप पौध से पौध की दूरी जैसे आप रोपाई कर रहे हैं अपने खेतों में और रोपाई करते समय जो सीधी लाइन जाती है वो जो है उसकी दूरी 15 सेंटीमीटर रखना है, और जो हम लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, जब किसान भाई हम धान की रोपाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इस तरह से किसान भाई अगर आप पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर करते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़बरदस्त में पैदावार होगा।